नाजरीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, और इस वक्त प्रदेश कांग्रेस सेल की माइनॉरिटी सेल की जानिब से अगेंस्ट मणिपुर प्रोटेस्ट ने माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन समीम अख्तर की जानिब से निकाला गया है प्रोटेस्ट अगेंस्ट मणिपुर सेफ डेमोक्रेसी। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट ऑन ओनली द लोकल जर्नलिस्ट। पीछे आ जाइए और ये देखे माइनॉरिटी सेल कांग्रेस के समीम अख्तर इम्तियाज पूरी टीम। और ये देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आगे भी चलिए। मणिपुर नारी निर्यातन होलो कहना पदार्थ मोदी जवाब का। और ये देखिए माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन समीम अख्तर के नेतृत्व में मणिपुर के खिलाफ मणिपुर वायलेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हुए आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और समीम अख्तर के साथ कर किया जा रहा है। समीम अहमद क्या कहना चाहेंगे, समीम अख्तर क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी की सरकार में मणिपुर जल रहा है, 350 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है जिसका वीडियो वायरल हुआ है। हम लोग उसके खिलाफ में आज राजभवन के सामने धरना देने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही शर्मनाक वाक्य है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरा दुनिया देख रहा है। मोदी को चाहिए कि वो इस मामले के बाद इस्तीफा देना चाहिए। जो उन्होंने देश के लोगों को कहा था कि 56 इंच का सीना, आज वो सीना कहाँ गया? आज वो लोकसभा में आकर बयान क्यों नहीं दे रहे, राज्यसभा में बयान क्यों नहीं दे रहे? चलिए चलिए। राहुल गांधी जहाँ 30 अमन कायम करना चाह रहा है, मोदी सरकार की पुलिस हटा रही है, क्या कहना चाहेगा समीम अख्तर? मोदी राहुल गांधी से और ये देख रहे हैं अगेंस्ट प्रोटेस्ट मणिपुर वायलेंस के खिलाफ जिस तरह से मणिपुर में रखा गया। आगे दिखाएंगे इधर घुमाना। और ये देख रहे हैं गवर्नर हाउस राजभवन जहां के पुलिस की पूरी टीम और ये धरना बोलो। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट पर किस तरह से कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन समीम अख्तर के नेतृत्व में राजभवन घिराव। और ये कांग्रेस के पूरी कार्यकर्ता यहाँ पर है और ये देख रहे हैं आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट द लोकल जर्नलिस्ट पर गवर्नर हाउस का घेराव। कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की जानिब से प्रोटेस्ट अगेंस्ट मणिपुर वायलेंस। कांग्रेस के भाई कांग्रेस मंडल के चेयरमैन समीम अख्तर की मौजूदगी में सैयद इम्तियाज अहमद की मौजूदगी में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। एक बड़ा रैली जन आक्रोश देखा जा रहा है कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की जानिब से राजभवन घेराव। कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन समीम अख्तर की मौजूदगी में यह निकाला गया है प्रोटेस्ट, अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में निकाला गया है। समीम अख्तर के
एनफ इज एनफ, स्टॉप वायलेंस इन मणिपुर भाई कांग्रेस कार्यकर्ता स्लोगन। जिस तरह से 80-90 दिनों से देखा गया मणिपुर में वायलेंस, जिस तरह से महिला के साथ साथ जाति पेश आई है, जुल्म पेश आया है, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहा है, उस तरह से ये प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। और ये देखे ग्राम है, ये देखे किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है। पुलिस के दरमियान वो भी दिखाना रहे, और इस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता को पुलिस अरेस्ट करते हुए, और ये जलाया गया है, पुतला जलाया गया है, देख रहे कांग्रेस कार्यकर्ता के जानिब से, कांग्रेस कार्यकर्ता की तरफ से जलाया गया है माननीय डीजल के चेयरमैन समीम अख्तर की नेतृत्व में। राहुल गांधी जी और ये कांग्रेस कार्यकर्ता को पुलिस अरेस्ट करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता को प्रोटेस्ट अरेस्ट करते हुए पुलिस दिखा रही है, और ये कांग्रेस कार्यकर्ता को पुलिस अरेस्ट करते हुए और ये देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता को पुलिस अरेस्ट करते हुए ये प्रोटेस्ट को कांग्रेस माननीय सेल के, आइए बात करते हैं समीम अख्तर साहब, क्या कहना चाहेंगे, पुलिस अरेस्ट कर रही है आप लोगों को। देखिए हमारा आंदोलन है वो तो चलेगा, पुलिस अपना काम करेगी, हम लोग अपना काम करेंगे, लॉ एंड पीस को मैं मेंटेन करते हुए बिल्कुल हम लोग अपना काम करेंगे। और ये देखिए माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन समीम अख्तर, क्या कहना चाहेंगे, कामयाब रहा जिस तरह से मोदी ने लोगों को कहा था, देश के लोगों को के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मणिपुर के मामले में देख लीजिए मोदी बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। मोदी को चाहिए कि रिजाइन दे, वो इस्तीफा दे, और या तो फिर लोकसभा में आकर राज्यसभा में आकर अपना बयान दे। राहुल गांधी से डर गए हैं मोदी। और ये देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता, और ये देखिए पुलिस तमाम लोगों को हिरासत में लेते हुए, नाजरीन में बताता चलूं आपको, कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन समीम अख्तर के नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट निकाला गया, जो कि राजभवन घेराव था, और यहां से कांग्रेस के कार्यकर्ता को सभा को पुलिस ने अरेस्ट किया है। और देखें आप और मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है उसके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन, एक बड़ा प्रोटेस्ट देखा जा रहा है गवर्नर हाउस के सामने से, राजभवन का घेराव, माइनॉरिटी सेल कांग्रेस की जानिब से समीम अख्तर के नेतृत्व में, अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में दिखाया जा रहा है। और जो घेराव कर रहे थे तो पुलिस ने तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस वैन में अरेस्ट करते हुए सभी कार्यकर्ता को ले जाते हुए, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट ग्रैंड जीरो रिपोर्ट इधर है। और ये द लोकल जर्नलिस्ट पर आप ग्रैंड जीरो रिपोर्ट देख रहे हैं। नाजरीन मैं बताता चलूं आपको कि आज वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन समीम अख्तर के मौजूदगी में प्रोटेस्ट निकाला गया, जहां के
राजभवन का घेराव किया गया, जहां से पुलिस द्वारा इन लोगों को अरेस्ट किया गया और ले जाया गया। अब पल पल की खबर के अपडेट के लिए बने रहे दालू कल्याण इसके साथ। दिखाते हैं कि इसका रेप हुआ इस स्टेट में वो, अरे इस देश की बेटी किसी भी कोने में अगर उनको अगर तकलीफ होता है, उनके साथ रेप होता है तो वो गलत है। किसी के भी सरकार में हो गलत हो, अगर हमारी सरकार में होगी तो गलत है, उनके सरकार में हो तो गलत है। हम किसी सरकार का सपोर्ट या किसी का, हम इस देश की बेटी का सपोर्ट कर रहे हैं। इस देश की बेटी पे अत्याचार होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं किया। क्या डिमांड है मोदी जी, तो बयान दे ही चुके हैं। क्या बयान दिया उन्होंने 8 मिनट में, वो 34 सेकंड बोलते हैं, वो भी उसमें क्या करते हैं 8 मिनट पूरे स्टेट के अलग अलग जगहों के बारे में भाषण देते हैं, यहाँ ऐसा हुआ वहाँ। अरे आप जिस पे उस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर जाकर आप बात क्यों नहीं कर रहे? किससे डर रहे हैं मोदी जी? आपको जवाब देना है। 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, हम मोदी जी खामोश घूर रहे हैं। कभी अमेरिका जाते हैं, अभी ड्रोन घुमा रहे हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं, बगल में कोई और उड़ा रहा, फोटो खिंचाने में मास्टर है वो, एक्टिंग करने में मास्टर है। इस देश को एक्टिंग करने वाला, झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री मिला। महंगाई पे बोल नहीं सकते वो, धर्षण पे बोल नहीं सकते वो, बेरोजगारी पे बोल नहीं सकते। हाँ बोलेंगे सिर्फ अडानी पे बोलेंगे, अडानी को बचाने के लिए काम करेंगे। इस तरह का जुल्म कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक जगह में कांग्रेस का एक एक सिपाही, और वो हर लोग जो लोग इस देश से, इस देश की लोगों से प्यार करते हैं, वो लड़ाई करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हम लोग, आपको जेल में डालना है जेल में डालिए, आप हमें मारिए पीटिए लाठी मारिए जो कीजिए, हम अपनी हक की आवाज उठाते रहेंगे। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम अपनी हक की आवाज उठाते रहेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय बांग्ला।